चेहरे का। तो गाइस यहाँ शाम का पकौड़ी तला रहा था, नाश्ता फलाहार वाला, तो वही कर रहे थे ना कि यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे अब मैं दूसरे दिन का ये ब्लॉग है, उस समय वही ख़त्म हो चुका था, बंद हो चुका था ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे मैं दूसरे दिन दोपहर में काम करने के बाद शाम को जब 4 बजे 3:30 बजे मैं उठी हूँ, तो यहाँ मैं कुंभ कर रही थी, बाल झाड़ रही थी, और बाल झाड़ते झाड़ते यहाँ पर वीडियो स्टार्ट था। वीडियो स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखे हिल रहा है, तो हाँ बच्चे जब वीडियो ज़बरदस्ती बनाते हैं ना कोई कि हाँ नहीं करेंगे, करते हैं वो हाथों से इधर उधर, या तो मैं रख के करती तो वो अलग हो जाता, बट वो कर रही थी इसे इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे काफ़ी वीडियो हिल रहा था, और मैं यहाँ पे कंघी उंगी करने के बाद, कॉम करने के बाद मैं सोची चलती हूँ किचन में लगती हूँ, फिर आप लोग से बातें वहाँ पे कर दूँगी। लेकिन बातें मैंने उस किचन में नहीं कर पाई, बस थोड़ा सा की, क्योंकि पापा जी दूसरे रूम में थे। यहाँ मैं कॉम करके शाम के टाइम थोड़ा सा सामने में ये सब करती हूँ, इसलिए कि कोई भी कब कैसे आ जाए तो मुँह अजीब सा बना रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ये सभी रूटीन ज़रूरी है। ये देखिए अंगूर यहाँ पे मैं किचन में वही कुंभ करके आ चुकी थी, तो यहाँ पे मम्मी जी भी थी, कुछ शरबत बेल का शरबत पी रही थी और मैं अंगूर खा रही थी, तो वही हंसने लगी कि सास बहू दोनों लोग किचन में खड़े होके खा रहे हैं, लोग देखेंगे तो। तो मेरा वीडियो अब यहाँ हो गया है स्टार्ट, और शाम का जो रूटीन होता है वही चीज़ मेरा यहाँ स्टार्ट है। अब शाम को इस समय बजे हैं 4, और मैं यहाँ चली हूँ, पहले पापा जी के लिए चाय बनाऊँगी, बच्चों के सर आए हैं उनके लिए चाय बनाऊँगी, और फिर मैं किचन को साफ़ करूँगी, जो दोपहर में साफ़ करती हूँ उसके बाद, क्योंकि बच्चे आते हैं किचन में कुछ लेना, कुछ खाना, कुछ बिखरना इधर उधर कर देते हैं, तो इसलिए फिर से शाम का किचन वही हो जाता है, गंदा गंदा सा दिखता है। तो मुझे लगता है जब मैं उठती हूँ तो उस समय फिर से लेती हूँ, तो अपना किचन साफ़ करती हूँ और सब काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये रूटीन शाम 3 बजे से 3:30-4 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे तक, ऐसे 10:30 बजे तक तो ये रूटीन चलता ही रहता है किचन में। तो आप लोग देखते हैं किचन का ब्लॉगिंग अधिक हो जाता है जब कभी मैं करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही किचन में बीत जाता है, कुछ इधर करो कुछ यही कि अगर जिस चीज़ को करिए तो करते ही जाइए। मेन है किचन ऐसा है, आप दिन भर पूरे दिन खड़ी रहेंगी तो उसका काम खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अब खाने में जो था बर्तन तो सब इधर के देखे कितने गंदे लग रहे थे, तो मैं यहाँ पे सफाई में लग गई हूँ, थोड़ा सा साफ उफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन तन धुलूँगी। और स्मेल कर रही थी आलू कल का उबला था, रखा हुआ फ्रिज में था, तो यहाँ पे बाबू के लिए मैं करती थी, क्योंकि कल को सभी लोग व्रत थे, बस पापा नहीं थे, तो पापा के लिए दाल वगैरह खाना बना था, जिसमें आलू भी बाबू के लिए चोखा उसे जाता, तो उसकी वजह से तो नहीं खाया, क्योंकि आलू उबला हुआ था तो फलाहार वाला लोग खा लेते हैं, तो बच्चे भी प्रॉब्लम वही होता है कि जो बड़े लोग खा रहे वही हम भी खाएँ, तो वही खाया और तो ऐसे पड़ा रह गया। तो यहाँ पे मैं किचन को अपने किचन कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ चाय पक जाती है, चाय होते कि उसके बाद बर्तन धुलना है, तो बर्तन की सफाई यहाँ सारी देखे, टमाटो सॉस की बोतल ये वो सारे फैल गए, इसे फ्रिज में बैठाऊँगी, उधर नमक भी करती हूँ, किचन से साफ़ करके हटती हूँ, उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाता है कि फिर से उसी में से गंदे गंदे अजीब अजीब से हो जाते हैं। तो चलिए अभी इसे देख इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर। तो मैं किचन का काम यहाँ थोड़ा सा फास्ट बढ़ा दी हूँ, क्योंकि नहीं तो काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है वीडियो, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं फटाफट चाय वगैरह बना के दे लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ, काम भी मेरा तब तक हो जाएगा, जो साफ़ सफाई अंगूर भी खा रही हूँ, काम भी एनर्जी भी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम के समय 4:30 बजे हैं, और ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका था, बट बात करने का टाइम नहीं था। अब आप लोग देखिए किचन में काम हो रहा था, कल का थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, फिर मन नहीं किया, कल व्रत रहने की वजह से थोड़ा व्रत भी था, फिर व्रत के दिन तो व्रत और नाम मात्र के सब रहते हैं, बस खाने के लिए व्रत रहते हैं, पूरा दिन खाते रहो पेट भरता ही नहीं है, कितना भी खा डालो पेट नहीं भरता, और आइटम पे आइटम बनाते रहो, बनाने वाले कभी नाम नहीं, काम करने वाले कभी नाम नहीं, बस खाने वाले का नाम गिनाई में हो जाए, खाने वाला भी कहता है हम कुछ खाएं भी नहीं तो ये हाल है।
इसलिए कल वीडियो फिर नहीं बना। और पकौड़ी के बाद फिर हुआ कि बर्तन धुलना सब काम फिर छोड़ गए। फिर उसके बाद मैं आज सुबह में होता है क्या कि सुबह से बच्चों का एक सुबह 8 बजे से 1 बजे तक क्लास चलता है, जिसके कारण मोबाइल खाली नहीं होती। मोबाइल मेरी यहाँ दो ही है, मेरी है मेरी हबी का है, तो दोनों लोग का मोबाइल, बच्चे मेरे तीन है, हबी है, हम दो होती, जिसके कारण क्लास करते हैं सब। क्लास करने की वजह से वीडियो नहीं बन पाता थे। इस समय वीडियो शाम को बन रहा है और शाम को किचन में से काम और कुछ ब्लॉगिंग पहले का था, तो अभी इसलिए मेरा वीडियो इसी समय, ये वीडियो अभी अपडेट होगा। मम्मी जी हमारी बहुत ध्यान से हमारी बातें सुन रहे हैं। हाँ मैं बातें कर रही हूँ, वो हमारी बातें सुन रही थी, से मैंने थोड़ा सा अपना लुक दिखा दिया। बातें सुन रही हैं कि क्या क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है। तो यही सब था। तो आज अभी दोपहर के बाद फिर मैं कामों करने बाद थक गई थी, लेट गई थी, वीडियो नहीं बना। तो लेकिन मैं सोची थी कि आज वीडियो नहीं डालूंगी, लेकिन ऐसा होता है ना, मन है कि मान्यता नहीं वीडियो डाले बिना। तो शाम हो चाहे रात हो, शाम तक ही वीडियो सोचती हूँ अपडेट हो जाए, एक छोटा सा ही ब्लॉग हो जाए डाल देती हूँ, कोशिश करके इतने काम के बाद। तो अभी जस्ट मैं बैठी हूँ आके, और मुझे इस समय चल रही हूँ क्या फॉल लगाने साड़ी में, दो साड़ी का फॉल, एक में स्टार्ट की अपनी साड़ी में, तो मम्मी लेके बैठ गई अपनी भी कि मेरा भी करना है। अब कैसे मैं अपना करती, अपना साइड लगा दी, अब उस पर आप चढ़ जाइए बेटा, एक ठुए तोड़ी आपको बात नहीं समझ में आ रही है। तो अपना छोड़ के मम्मी का एक साइड में लगाया, उसके बाद अभी मम्मी का रखा हुआ है एक साइड, बाकी है मेरा भी मम्मी का भी। तो अभी चल रही हूँ बैठ के उसे लगाऊंगी, लगाने के बाद फिर उठूंगी, तब काम जो करना रहेगा, दीपक जलाना भगवान जी का, नवरात्र का जो चाहे, वैसे दीपक डेली शाम को जलता है, बट थोड़ा सा शाम को आरती वगैरह करना है, भगवान दुर्गा माँ का पाठ तो घर में नहीं है, सभी लोग को आप लोग को मालूम है कोविड के कारण, तो मंदिर में होते हैं जब जो पाठ होते हैं। तो यही सब है, अभी जस्ट मैं आके बैठी हूँ, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा आप लोग से बातें करूँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और लंबा भी, और मेरे भी टाइम बीतता जाएगा, तो इसलिए बात करूँ तो बात ख़त्म ही नहीं होती, कितनी बड़ी बातें हो जाती हैं। हम औरतें ऐसे हैं, औरतें नहीं आदमी भी लोग होते हैं ऐसे ना, हाँ आके बात करो तो उन लोग की बात नहीं ख़त्म होती, लेकिन औरतें एक बदनाम के नाम पर हैं, औरत एक बदनाम नाम है, करते सब वही काम है लेकिन औरत एक बदनाम नाम है, तो ये चीज़ें होती है। तो चलिए, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जो कर दीजिएगा, चैनल पे नए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, बीच में ब्रेक ना लगे, थोड़ा सा धक्का भी ना दें, बड़े पास तक पहुँच जाए। तो फिर देख नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।